नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। स्वागत है आपका इस न्यूज के लंच बुलेटिन में। जेएनयू कैंपस में रविवार शाम को नकाबधारी गुंडों ने जमकर कहर बरपाया। इस हिंसा में कई छात्र छात्राएं लहूलुहान हो गए। हाथों में डंडे रॉड लेकर घुसे बदमाशों ने छात्र छात्राओं और शिक्षकों पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस हमले में लगभग 20 स्टूडेंट और टीचर घायल हो गए। हालात को संभालने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को दिल्ली पुलिस की मदद लेनी पड़ी। विश्वविद्यालय प्रशासन के आग्रह पर दिल्ली पुलिस ने कैंपस में प्रवेश किया और देर रात फ्लैग मार्च किया। हिंसा को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों और एबीवीपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। जेएनयू प्रशासन ने देर रात कहा, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का विरोध कर रहे छात्र रजिस्ट्रेशन कर रहे छात्रों का उग्र होकर विरोध करने लगे, जिस वजह से दोनों ओर से भिड़ंत हुई। जेएनयू हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। FIR पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट दंगे की धारा के तहत दर्ज की गई है। मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के LG अनिल बैजल से फोन पर बात कर मामले की जानकारी ली है। पुलिस सूत्रों की माने जो वीडियो सामने आए हैं उनमें कुछ की पहचान की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक कुल 23 लोग घायल हैं, उन्हें एम्स से रिलीज किया जा चुका है। पुलिस ने इस मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जेएनयू हिंसा के खिलाफ कई यूनिवर्सिटी के छात्र एकजुट हो गए हैं। इस हिंसा के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। हिंसक घटना के खिलाफ IIT बॉम्बे के छात्रों ने परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। वहीं कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया और अध्यापकों ने भी JNU SU के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अध्यापक संघ ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। JNU छात्र संघ ने दावा किया है कि ABVP ने हिंसा को अंजाम दिया है। वहीं ABVP ने लेफ्ट विंग पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस हिंसा में कई छात्र घायल हैं। JNU में फीस बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। JNU हिंसा पर देश की सियासत फिर से गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कैंपस में हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं कि IG लेवल की एक अधिकारी की कमेटी बनाकर जल्द ही गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी जाए। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी हिंसा की निंदा करते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था कायम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हिंसा की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। रविवार को JNU कैंपस में हुई हिंसा के बाद यूनिवर्सिटी में डर का माहौल बना हुआ है। आज सुबह छात्रों को कैंपस से जाते हुए देखा गया। यूनिवर्सिटी कैंपस से जाने वाले छात्रों का कहना है कि अभी यहां बहुत तनाव है, जब स्थितियां सामान्य होंगी तब फिर कैंपस वापस लौट कर आएंगे। JNU मेन गेट पर ऑटो में बैठे एक छात्र ने बताया कि कैंपस में माहौल अभी बेहद तनावपूर्ण है और हालात सामान्य होने के बाद ही वो लौटेगा। JNU कैंपस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। रविवार को हुई JNU हिंसा पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भावुक हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए स्वरा ने मामले पर चिंता जताई है। वीडियो शेयर कर स्वरा ने हिंसा का आरोप ABVP पर लगाया है। स्वरा ने ट्वीट करते हुए लिखा, अर्जेंट अपील, सभी दिल्लीवासी, बाबा गंगनाथ मार्ग पर JNU कैंपस के मेन गेट के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे, ताकि सरकार और दिल्ली पुलिस पर एक्शन लेने के लिए दबाव बनाया जा सके और ABVP के मास्क वाले गुंडों को JNU कैंपस में तोड़फोड़ और हिंसा से रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट कर बताया कि उनकी मां ने उन्हें SMS भेजा और बताया कि नॉर्थ गेट के बाहर लोग देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगा रहे हैं। स्वरा भास्कर की मम्मी JNU में प्रोफेसर हैं। अमेरिका ईरान में तनातनी जारी है। तेहरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करेगा। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईरान के सरकारी TV ने कहा कि ईरान 2015 के अपने परमाणु समझौते का किसी भी सूरत में पालन नहीं करेगा। साथ ही ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम भी फिर से शुरू करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान में 52 स्थान चिन्हित किए हैं और अगर ईरान ने अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान के ठिकानों पर बहुत तेज और बहुत खतरनाक हमला करेगा। इराक के बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान में जबरदस्त आक्रोश है। ईरान की एक संस्था ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सिर काटने पर बड़े इनाम का ऐलान कर दिया है।
इंटरनेशनल मीडिया के अनुसार ईरानी संस्था ने कहा कि जो भी ट्रंप का सिर कलम करेगा उसे 80 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा। रविवार को ट्रंप ने ईरान को ब्रांड न्यू हथियारों से हमला करने की धमकी दी थी, जिसके कुछ देर बाद ही ईरान ने ये ऐलान किया। इराक की राजधानी बगदाद में लगातार दूसरे दिन अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। हमले में दूतावास पर रॉकेट दागे गए। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शनिवार रात को भी अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से हमला किया गया था। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक ग्रीन जोन के बाहर एक तीसरा रॉकेट भी आकर गिरा, जिसका शिकार एक परिवार हुआ। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। ग्रीन जोन के आसपास जमीनी और हवाई सुरक्षा उच्चतम स्तर पर है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी से जुड़े फैसले के बारे में भारत को अवगत कराया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच पश्चिम एशिया में पैदा हुए तनाव पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे में हिंसा भड़काने वाले शख्स इमरान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान चिश्ती ने पहले घर से ही गुरुद्वारे की घटना के लिए माफी मांगी थी। चिश्ती ने एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया और ननकाना साहिब गुरुद्वारे के पास पहुंच गया। इस भीड़ ने पत्थरबाजी की और गुरुद्वारे को चारों ओर से घेर लिया। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमला करने की धमकी देने वाले शख्स को पाकिस्तान सरकार तुरंत गिरफ्तार करे। भारत के अलावा पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना पर आपत्ति जताई थी। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।